रायगढ़ शहर के जूट मिल पुलिस चौकी का उन्नयन कर दिया गया है, जिसका शुभारंभ रायगढ़ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के हाथ हुई है। इस दौरान पुलिस विभाग के आला अधिकारी और शहर के पत्रकार मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम में सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक मीणा ने रिबन और केक काट कर प्रथम थाना प्रभारी बने कमल किशोर पटेल का मुंह मीठा कराया। विभाग के रीति रिवाज के अनुसार एसपी अभिषेक मीणा ने बजरंगबली की तस्वीर की पूजा अर्चना कर थाने में प्रवेश किया। रायगढ़ के जूट मिल पुलिस चौकी को थाना का दर्जा मिलने पर उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने प्रथम दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्म उत्सव की तरह मनाया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने क्षेत्र की बढ़ती आबादी के कारण और शासन स्तर पर भी अनुमति के बाद चौकी को पुलिस थाना बनाने की जरूरत को देखते हुए चौकी को थाने में उन्नयन कर दिया है। जूट मिल को थाना का दर्जा मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। लास्ट ईयर सिटी कोतवाली थाना है राज्य में सबसे ज्यादा क्राइम वाले थाने हैं, और उनमें से था कि उसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा था। अपनी 1700 से 1800 के बीच में अपराध वहाँ दर्ज हुए थे, उसमें से एक तिहाई से ज्यादा अपनी 35 से 40% अकेले जुटे। इसी को देखते हुए बहुत पहले से ही बाकी के जो पुराने एसपी उन्होंने कमाए चालू की थी कि इतना बड़ा, क्योंकि 600 के आसपास का क्राइम फिगर पहुंच रहा है, तो एक नया थाना यहाँ पे होना चाहिए, ताकि जो उसकी डीलिंग है थाना प्रभारी लेवल पर लोग सीधे यहाँ पे आए, उनके FIR भी यही हो और बाकी सारी जो कार्रवाइयाँ है वो भी यही हो। इस तरह का सोचा गया और प्रस्ताव भेजा गया था। फाइनली प्रस्ताव को हरी झंडी मिली और इस साल अभी कुछ दिनों पहले नोटिफिकेशन आ गया था कि जूट मिल को थाना बनाया जाता है, तो जूट मिल चौकी को फिर अपग्रेड करके थाने में अभी इसको कन्वर्ट किया गया है। आज इसका हमने उद्घाटन किया है और इससे पब्लिक को भी बड़ी सुविधा मिलेगी कि उनकी ज्यादातर सुनवाइयां यहाँ होंगी, उनके केसेस यहीं से डील होंगे, उनको कोतवाली का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। साथ में पुलिसिंग भी थोड़ी टाइट होगी, अभी इसको थाना लेवल पे बना दिया गया है, तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड होगा और बाकी चीजें भी, सुविधाएं भी इनको मिलेगी। CCTV का काम भी यहीं से होगा, रजिस्टर्स भी यहीं पे रखे जाएंगे बाकी के, तो इससे क्या पब्लिक को भी सुविधा मिलेगी और पुलिस के काम में भी कसावट आएगी। कितने गाँव आएंगे सर? रफली 31 गाँव इसके अंदर में आएंगे और बाकी का शहर का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस शहर का क्षेत्र इसका आता है, उसमें कुछ बस्तियां हैं जहाँ पे हमेशा न्यूसेंस एलिमेंट्स रहते हैं, तो उनपे हमको कवरेज करने में ज्यादा आसानी मिलेगी। इसी के हिसाब से यहाँ पे रिसोर्सेज भी मिलेंगे, गाड़ियां भी, यहाँ का स्टाफ भी, वो भी अपग्रेड होगा, बिल्डिंग का भी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा, और ये सुविधाएं मिलने से पुलिस की कसावट भी आएगी, पुलिस का काम ज्यादा अच्छा होगा और पब्लिक को सुविधाएं ज्यादा। ऑफकोर्स ये जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है या शहरी क्षेत्र एक्सपेंड होता है, ऐसे ऐसे थानों में वृद्धि होती है, बट वो जरूरत के हिसाब से होता है कि अगर जरूरत है तो थाना बढ़ाया जाएगा, अननेसेसरी बने। जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।